जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है 2022, यानी कि 2022 का जो साल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं 2021 की हमारी सभी जो प्रिडिक्शंस थी, आप अगर उन्हें देखेंगे तो वो सभी गणनाएं जो हमने रियल स्टेट को लेकर करी थी, जो हमने गोल्ड को लेकर करी थी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट को लेकर करी थी, और साथ ही साथ अगर आप सभी ने वीडियोस में फॉलो किया है तो आप सभी को पता है कि हमने 2021 के लिए जो चीज़ें बताई थी कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होंगे, तो आपने लास्ट ईयर देखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ज़्यादा हुए थे लास्ट ईयर। तो हम अब देखेंगे नेक्स्ट ईयर 2022 किस तरीके का रहेगा। तो अगर हम इसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें या चाइनीज जो हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से देखें तो टाइगर ईयर रहेगा, बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। आप इस तरफ के जितने भी ईयर्स देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा, इन सभी के लिए ये साल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के हिसाब से ये सभी जो है टाइगर ईयर में जन्मे हैं। अब बात करेंगे हम हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा। तो देखिए, वीनस का ईयर है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस साल में। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और लग्जरी का ईयर है तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, जिन लोगों की घर की मनोकामनाएं, जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, टाउन हाउसेस में रहते हैं, और उनकी मन की इच्छा है कि उनको कोई बड़ा घर मिले लग्जरी के हिसाब से, तो ये इच्छा जो है 2022 में उन सभी की पूरी होगी, क्योंकि वीनस जो है शनि के साथ में अपनी दृष्टि दिखाएगा। साथ ही साथ अब इस साल में हम देखेंगे कि पूरा साल जो रहेगा विमेंस के लिए रहेगा, वो सभी जो है हर जगह अपनी जो चमक है वो दिखाएंगी। विमेंस जितनी भी बिजनेस में है मेरी बहनें, वो सभी कुछ ना कुछ बहुत खास करेंगी इस टाइम पर। कैसे करेंगी? क्योंकि वीनस अपने आप में जो है नारी प्रधान एक माना जाता है, तो इस समय पर सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं, जिन बहनों ने पूछा था कि बिजनेस हो चुका है स्टार्ट परंतु उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो आप सभी के लिए चिंताएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि जो सलोन में हैं, जो स्पास चलाती हैं, जिनका जो अपने कपड़ों का बिजनेस है, जो मेकअप का बिजनेस करती हैं, ज्वेलरी बिजनेस करती हैं, उन सभी के लिए 2022 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी की जो मनोकामना इस समय पर बहुत पूरी होंगी और बिजनेस जो है आप सभी का बहुत ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आपके घर में कन्याएं हैं, बेटियां हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना इस पूरे साल में आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेगा। अगर आपके घर में कन्याएं हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं उन सभी को, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो कोई भी नया कार्य करें 2022 में तो उनके चरणों को स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपना कार्य शुरू करें। इस समय पर हस्बैंड्स के लिए भी कुछ खास मैं बताना चाहूंगी, अपनी वाइफ्स को जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट में दें, और वाइफ्स भी जो हैं समय समय पर अपने हस्बैंड्स को जो कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, फ्लावर्स दें, फ्लावर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, परफ्यूम्स दें, लग्जरी में जितनी भी चीजें आती हैं आप सभी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो रहेगा कन्या के लिए जो है पुरुष उसका शुक्र माना जाता है, और पुरुष के लिए स्पेशली जो उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी माता जो रहती है वो शुक्र मानी जाती है। तो अगर इस समय पर आप सभी को खुश रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां आएंगी। अब ये हो गई घर को लेकर बात हो चुकी है, बिजनेस जो विमेंस के लिए रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। सभी को पता है अगर आप बॉलीवुड में अपना लक आजमाना चाहते हैं तो 2022 खास तौर पर आपके लिए है। 2022 में जितने भी नए गाने आएंगे, नए सॉन्ग्स आएंगे, वो सभी जो है बूम करेंगे। बॉलीवुड मार्केट भी बहुत बूम करने वाला है, टिकट्स भी बहुत चलेंगी, थिएटर्स अपना जो असर है वो दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट ईयर जब आपने मेरे प्रेडिक्शंस देखी होगी तो मैंने कहा था कि 2021 में इतना गोल्ड जो है कुछ खास नहीं करेगा, सेम उसी तरीके से इतना गोल्ड इस बार भी कुछ खास नहीं करेगा, क्योंकि वीनस डायमंड इस साल पर खरीदना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लक लेकर आएगा। डायमंड अगर आपने नहीं खरीदा है तो 2022 में जरूर खरीदिए। और इस समय पर जो है चाइना और एशिया और इंडिया पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि वीनस का ईयर है। इस साल पर अगर लव मैरिज के चांसेस बनाना चाहते हैं तो जरूर करिए सोलमेट कनेक्शन, इस साल बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। इस साल जिन सभी की शादी होगी वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के अपने साथी के साथ ही इस साल पर जुड़कर जो है अपना विवाह बंधन बांधेंगे। तो 2022 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लक जो है लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ, तो बड़ा घर जो खरीदना चाहते हैं इस साल पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। छोटे घरों से आप बड़े घर में जाएंगे और आप सभी जो है पैसा खर्चा करेंगे अपनी घर की साज सज्जा में, बहुत सारे लोग जो हैं पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है 8 नंबर, यानी जिनकी कुंडली में
या जिनके मूलांक और भाग्यांक में 8 नंबर आता है वो भी काफी अच्छा करेंगे, परंतु यहाँ पर क्योंकि शनि कर्म का देवता है, इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 8 बनता है या आपके फुल डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल भाग्यांक जो है 8 बनता है तब भी आप बहुत अच्छा करेंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें कर्मों पर ही पूरा जो है लेखा जोखा 2022 में रहेगा, परंतु बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं 3, 6, 9 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, घर का नंबर 3, 6, 9 से अगर काउंट करता है, या आपका जन्म 3, 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, या आपका फुल डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9 के आंकड़ों में आता है, तो आप सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो लोग काफी समय से धन को लेकर परेशान थे उन सभी की दिक्कतें जो हैं 2022 में ठीक होंगी। अब हम देखेंगे कि बिजनेस में तो विमेंस का बहुत बड़ा योगदान इस साल होने वाला है। अगर आपके घर में जैसे कोई महिला बिजनेस चलाती है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हुआ, या वो अपने घर से ही बिजनेस चलाती हैं, या उनका बहुत अच्छा सेटअप है, जैसे मैंने कहा सलून हो गए, पार्लर्स हो गए, स्पा हो गए, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, गहने हो गए आपके, या फिर आप अगर ड्रेसेस का कोई बिजनेस करती हैं, तो आपके लिए ये साल मेहनत वाला है और धन कमाने वाला है। अपने आप को जितना आप प्रमोट कर सकती हैं आप दिसंबर एंड के बाद, यानी कि 21 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा वो सभी के लिए अच्छा रहेगा, तो अपने आप को जितना ज्यादा प्रमोट कर सकती हैं करिए, क्योंकि पूरा साल आपका धन कमाने वाला है। अब यहां पर ये भी बता दूं कि उत्तर दिशा यानी जो नॉर्थ की डायरेक्शन रहेगी आप सभी के लिए बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि नॉर्थ दिशा जो रहती है वीनस यानी हम जो कुबेर दिशा मानी जाती है, लक्ष्मी दिशा मानी जाती है, और 9 देवियां यानी माँ दुर्गा की आराधना करना इस पूरे साल में आप सभी को बहुत ज्यादा लग देगा। मंत्र मैं पहले आप सभी को बता चुकी हूँ किन बीज मंत्रों का जाप आपको करना है, कौन से बीज मंत्र आप सभी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो नव दुर्गा की आराधना करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस पूरे साल में आप सभी को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। यहां पर अब मैं एक बात और बता दूं कि अपने घर में अगर आप सभी चाहते हैं कि लक बहुत ज्यादा है, तो स्पेशली फ्लावर्स व्हाइट कलर के कर्टन्स आप लगा दीजिए अपने घर में, व्हाइट कलर को प्लेस करिए। और खास आप सभी के लिए एक जो पूरे साल की टिप हम देते ही देते हैं वो इस साल पूरी रहेगी कि व्हाइट कलर के सॉक्स जरूर पहने, ब्लैक को दूर करें अपने आप से, ग्रे को दूर करें, ब्राउन को दूर करें, या चित कबरे जो डबल कलर्स के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हुए या ब्राउन के साथ कोई कॉम्बिनेशन हुआ, उन सभी को दूर करिए इस साल। और इस साल केवल और केवल जो है व्हाइट पर ध्यान दीजिए, व्हाइट कपड़ों पर ध्यान दीजिए, परफ्यूम्स पर ध्यान दीजिए, खुशबू पर ध्यान दीजिए। आपके घर में लगातार खुशबू बनी रहनी चाहिए, गंदगी को दूर करिए, डीप क्लीनिंग करिए अपने घर की, क्योंकि ये साल अगर आपने अपने घर को गंदा रखा, अपने ऑफिस को गंदा रखा या कहीं भी गंदगी रही, तो शुक्र आपका दूषित होकर आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है दे सकता है। तो परफ्यूम्स बहुत ज्यादा लगाइए अपने घर में, बहुत सारी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जलाइए, और बहुत सारी चीजों से जहां आपको खुशी मिले वो सभी चीजें करिए। पर इस साल में आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि मन की चंचलता बहुत रहेगी, तो आप सभी को अपने मन पर भी काबू रखना है, क्योंकि जब हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र सौंदर्य का देवता है, शुक्र सौंदर्य को देखकर पिघलने वाला देवता है, तो इस साल में जो है आप अपने मन पर भी काबू रखिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का ग्लास अगर घर में है तो चांदी के ग्लास से पानी पीना शुरू कर दीजिए, चांदी का अगर कोई छल्ला है तो थंब में पहन लीजिए उसे, वो भी आपके शुक्र को बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो रहता है ये हमारा शुक्र माना जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे डायमंड्स, क्योंकि डायमंड्स इस साल पर खरीदना या गिफ्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो डायमंड में इन्वेस्ट करिए। गोल्ड इस साल आपको जितना लास्ट ईयर का था उतने से थोड़ा प्रॉफिट देगा, पर उतना प्रॉफिट अभी भी नहीं रहेगा। रियल स्टेट में हाँ जरूर आप सभी को प्रॉफिट मिलेगा। तो आशा है 2022 का ये जो पूरा वीडियो था आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मैं माता रानी से सभी के लिए मनोकामना करती हूँ कि ये साल आप सभी को जो है बहुत सारी तरक्की और उन्नति मिले। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।